हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा भाई मोहम्मद आसफ, तुसा वेख रहे हो यूट्यूब चैनल एम आसफ डॉट विलेज। जनाब वेखते पे हो, बताऊँ कितनी पई है। ये सुबह का टाइम है, बिल्कुल तकरीबन 8 का, ते धुंध बहुत ज़्यादा पई है, दिखा रहे हैं। ते सूरज की भी जड़ी किरण है ना, ठीक है, वो भी निकलती पई है। इन्हें तो बाद को घंटे 2 घंटे तक दो बिल्कुल वाजिया हो जाना है, ठीक है। कुदरत का करिश्मा है, ठीक है, ये तो दिखाया है। वे हुण वेख लो सुबह के टाइम भी, थोनों कोई आम लम तो कोई चीज़ नज़र आती है, गुफा अंधेरा ही है हर पासे, ठीक है। सूरज की किरण निकली ही है, ये मौसम इस तरह का है। वे अपना धुंध पै जाती है तो सुबह में धुप निकल आती, क्योंकि दूसरा महीना चढ़ गया है ना, ते दूसरे महीने की 10-15 तक इस तरह सिलसिला रहना है। 10 तो बाद ये जनाब मौसम साफ हो जाए, ठीक है। ते कणकां वास्ते बड़ा फायदेमंद है, फसल वास्ते बड़ा ही फायदेमंद है, क्यों इन नाल जड़ियाँ गेतरियाँ पिछेतरियाँ ने अकक्कर ना पवे, ठीक है। तो मुड़ बड़ा फायदेमंद है। ते इधर भी हुण काश्तकारी शुरू हो गई है साढ़े यार, मकई असा जड़े ना गड़दे पे हैं, तुहानू तो भी खाने हैं। खेलियां भी निकलियां पियां ने, दूसरी साइड आर तो मुरब्बे आ रही उन्हें ला ली है, ठीक है। हम देख लो सर्दी कितनी है, ते बजाई दा मौसम भी नाल जा रही है, ठीक है। आ वेखते पे ये हम खेला निकलियां पियां ने, इन्होंने तो चोपा होना शुरू हो जाए, ठीक है। यार नक्का मुआ बनया पिया, ये तकरीबन ये उदे दूसरी साइड ते चोपा लगता पिया, तू आड़ते फिर इस साइड ते चोपा लग सी। प्यासा भी जेड़े ना काश्त करवाई है, हम दोनों का हिसाब ला लो, तो हम मकई की काश्त का भी हिसाब ला लो। तो इतनी सर्दी के मकई की काश्त होंगी पी है, तकरीबन ये हम आई दूसरे महीने की 5 तरीक है, जी असं काश्त की है वो तुम्हें तो विखाने भी, वो दूसरे महीने की मैं 2 तरीक की काश्त हुई है, ठीक है। 2 तरीक की काश्त हुई, तो सर्दी भी उतो है तकरीबन, इस जी काश्त होंगी पी मकई दी, ये तकरीबन महीने बाद निकलना चोपा, अगदू चोपा नहीं निकल सकता। तो नाले वेखो अपना सब्जा, ठीक है, सुबह का वेख लुत्फ अंदोज, कितना प्यारा प्यारा सब्जा है सुबह के टाइम का, ठीक है, हरा भरा खेत है। इस तरह आ मैं कही दा जो पशु असा लवाया है, ये लग गई है मकई दा चोपा, ठीक है। इनकी हुण काश्तकारी मुकम्मल हो गई है, मैं क्या भाइयों नू जड़ा ना सुबह दा टाइम दा मंजर भी दिखा दी है,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੰਦ ਵੇਲਣ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਦੁੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 10-15 ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੰਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਸਿੱਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੁੰਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਕਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਣਕਾਂ ਫਿਰ ਦੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਕਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਸਾਂ ਬੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੂਟਾ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚਲਦੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਜਾਂ 15 ਤੱਕ ਚਲ ਸੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਖੂਹ ਹੈ ਤਿੰਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਮੋਟਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਚਲਵਾਈਏ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ,
ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਓਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੈ ਹੁਣ ਗਈ ਦੋਂਦੇ ਨਾ ਦੋਂਦੇ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੋਂਦ ਪਵੇ ਦੀ ਨਾ ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਨੇ दूजा कि लिया ने उमर उमर पलंटर ने सही निकले हूं पलंटर वास्ते लिया हाँ नहीं तुंदे को प्लंटर क्यों नहीं निकलिया सही वो तो आधा मैं बड़ा ड्राइवर हाँ वो है वे यार वो गाल लेवे टेढ़ा कटदा है प्लंटर उमरी उमरी किते गया उमर जेड़ा लेन दोज लेंदा आया तो लेंदा आए मैं कहो उस मोटर कोना कड्या प्लंटर तो ढाई किले कड्या पास ही नहीं आया अच्छा ट्रोलन लेंदा आया सुने कड्या ओ बजाईयां ने हां वो तो मैं तुम दसदा जेड़ा वो ड्राइवर आया तुंदे नाल तो मेनू पा लेंदा ए प्लंटर बिकलना को आसान काम नहीं हुंदा वेखदे पे सुबह दे टाइम इन्हां मोटर चलाई है साडी ठीक है मोटर चला ते हुण बीज लई जांदे ने ते बीज उत्थे लवासे ठीक ते चौणियां ते चोपा लवांदे पे ने बाई हैंड ठीक है कि मशीनी चोपा लवाए ने ते नुकसान होया ने पिछले साल बाई हैंड चोपा लवांदे पे ने ते इस वीडियो दे नाल अपने भाई नूं इजाजतां दिओ ते अल्लाह हाफिज़।